माय डियर स्टूडेंट्स, गेस पेपर के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए थे वहां पर। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लाए हैं और ये क्वेश्चन आपको रट के ही जाने हैं आपके एग्जाम में। और याद रखिएगा, जैसे कि हर साल की तरह हम लोग टॉप पर रिजल्ट देते हैं टीच स्ट्रीम के द्वारा, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो टॉप पर होता है। इस बार भी हम लोग टॉप पर रिजल्ट देंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, ये जो क्वेश्चंस है ये 70-80% आने के चांसेस होते हैं। और भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाना है कि जितना सर ने बता दिया सिर्फ वही पढ़ना है, और भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। साथ साथ ये जो क्वेश्चन है इस पर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। जितने क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को एक पहली बार आप एक बुक बनाओ, अलग से एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में एक क्वेश्चंस लिखो और इसका पूरा का पूरा आंसर लिखो। जब एक बार उसे लिखोगे पढ़ोगे तो एक दो बार जब आप उसे देख लोगे ना, आपको आराम से वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद भी करनी पड़ती है, समझनी पड़ती, किसी भी तरह जो भी आपको उचित लगे आप करो, बट ये क्वेश्चंस आप लिखना है आपको पेपर में। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जितना पढ़ा जाता है उतना बहुत ध्यान से समझिएगा, और जो क्वेश्चंस बताया जाए ये याद होने चाहिए क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को हम कुछ 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसे कि हम मैथमेटिकल का भी डिवाइड किए थे। सेक्शन ए के 8 क्वेश्चन, सेक्शन बी के भी 8 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी के 5 क्वेश्चन हम लाए हैं, उसमें सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन रखे गए थे। बट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अलग अलग कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन कर दिए। करना आपको दो ही होता है, तो अगर आप 8 क्वेश्चन कर लोगे ना, 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे आंख बंद करके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए की तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है यार, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिंपल क्वेश्चन। अरे सिंपल ही तो आएगा ना वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। एंड आपको कह रहा है कि शो दैट, आपको दिखाना भी है, सो दैट अ सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो बताया गया है, कई बार पढ़ाया जा चुका है, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई, क्या समझते हो आप किससे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन से आप क्या समझते हो वो आपको बताना है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, पूरा बताया गया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ऐप पर, यूट्यूब पर क्लासेस नहीं चली है, ये सारी क्लासेस ऐप पर पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज, टू रोटेटिंग बॉडीज, दो रोटेटिंग बॉडीज है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या दिया है, क्या है रोटेटिंग बॉडीज ए और बी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है, आई ए और आई बी, ठीक है। मतलब दो बॉडी है ए और बी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई ए और आई बी है, और कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है कि आई ए जो है वो ग्रेटर देन आई बी है, मतलब ए का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा है, सॉरी, बी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया से, ठीक है। एंड देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, एंड देयर एंगुलर
मोमेंटम आर इक्वल, और उनका जो एंगुलर मोमेंटम दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, इक्वल दिया जा रहा है। विच वन हैज ग्रेटर, यहां पर लिखेंगे विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो? देखो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बताए गए? नहीं बताए गए, बट अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए गए जो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्सिया में रिलेशंस बताए गए। तो आपको ये बताना है कि दो ऐसे बॉडीज हैं आई ए और बी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई ए और आई बी है। आई ए जो है ए का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया से ज्यादा है, उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल दिया जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्सिया में जिसको रिलेशन पता होगा वो बता देगा तुरंत, ठीक। जिसको नहीं पता है वो जाकर अभी पता कर लो, चैप्टर पूरा देख लो, पढ़ लो। फोर्थ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिलेंडर वेयर वन एंड मतलब एक हिस्सा उसका, वन एंड हिस्सा नहीं बोल सकते, एक भाग बोलते हैं, जैसे इसका वन एंड ये है, ठीक है। विच वन एंड इज फिक्स्ड, एक एंड हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड द अदर इज ट्विस्टेड, अदर क्या किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है थ्रू एन एंगल थीटा। ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने बताया हुआ है, ठीक है। स्टोर्ड इन ए सिलेंडर, जो कि सिलेंडर में स्टोर है, वेयर वन एंड इज फिक्स्ड, जिसका एक एंड हमारा फिक्स किया है, अदर इज ट्विस्टेड एंगल थीटा, यह क्वेश्चन बताया जा चुका है, ठीक है। फिफ्थ, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट, और इसके लिए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है, किसके लिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करनी है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना, मतलब जो पहले तो आपको डिफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब फार्मूला क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज लिसा जूस फिगर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज लिसा जूस फिगर, लिसा जूस फिगर क्या होता है ये बताना, व्हाट इज लिसा जूस फिगर। सातवां, डिफाइन, आपको डिफाइन करनी है किसके किसके बारे में, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी बतानी हो ये पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, इन सभी का डिफिनीशन पूछा जाता है ऐसे इस प्रकार से, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सबको तो मालूम होगा ना, वेव मोशन का पार्ट है वेव लेंथ, हालांकि ये भी मैं पढ़ाऊंगा बट ये तो सभी को पता होगा ना कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एक सेकंड में कितनी बार वो ओसिलेशन किया फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड वो अपने मिड पॉइंट से कितने ऊपर गया है, दैट्स योर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेती है और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, जैसे यहां से चली आने में जितना समय लगा दैट्स टाइम पीरियड। वेव लेंथ क्या है, दो अपर और दो लोअर के बीच की जो लेंथ होती है वो आपकी वेव लेंथ कहलाती है, ये सभी तो सिंपल है यार। आठवां एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन कि व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी
एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना। एंड फेज वेलोसिटी, ट्वेल्थ में ही पढ़ लिए थे, सॉरी इलेवेंथ में ही, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से आप क्या समझते हो, ठीक है। या तो ये पूछा जा सकता है, या तो इसी चैप्टर में दो क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में, ध्यान देना, या तो ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी पूछा जाता है, या तो पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्टेशनरी वेव, ये दोनों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। व्हाट इज स्टेशनरी वेव, आर ना लिख के आप ये नौवा डाल दो, ठीक। स्टेशनरी वेव क्या होता है ये आपको बताना, ठीक। तो ये क्वेश्चंस रहे, और ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये पूरे क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हो ना, शॉर्ट में कुछ पांच क्वेश्चन आते हैं, पांच के पांचों कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हम लोग शॉर्ट की तरफ, ये तो वेरी शॉर्ट हो गया, अब हम शॉर्ट की तरफ चलते हैं। एंड आगे चलने से पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल पर नोटिफिकेशन कर देना, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी, जिससे सिर्फ यही तक आप जान पाओगे, आने वाले मैथ और केमिस्ट्री के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे और आप नहीं कर पाओगे। सो दैट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल पड़ जाएंगे, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। सो दैट नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आइए बात करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको रट के जाने, याद रखिएगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, द मून रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ, मतलब चक्कर लगाना होता है, रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ क्वेश्चन है दिया जा रहा है, अबाउट द अर्थ मेकिंग ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन Making a complete revolution in 27.3 days. ये real होता है, क्वेश्चन ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। Given that, आपको दिया जा रहा है क्या, given that orbit has a radius. Given that orbit has a radius 293,000 miles, ठीक है। Calculate the magnitude of acceleration. आपको magnitude किसका calculate करना है, magnitude of acceleration ऑफ मून टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, याद रखना। आप बुक उठाओ, जो बुक आपको दी जा रही है पीडीएफ में, बुक उठाओ, वहां पर रिवॉल्वेशन जो चैप्टर दिया जा रहा है ना, रिवॉल्व करने का, अरे प्लेनेटरी मोशन, तो उसमें आप जब देखोगे उसका एक एग्जाम्पल है, जाकर पढ़ लेना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल में मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा जितना पढ़ा जा रहा है वो देखते चलो, नहीं तो क्या करते काफी बच्चे, हाँ सर कितने क्वेश्चन लिख भाई, आगे बढ़ा दिए, इस नंबर पर पूरा लिखे, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या जान पाओगे यार कितना क्वेश्चन क्या कहाँ कहाँ पढ़ाए हैं हम, तो बताते चलते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क and prove that, और आपको प्रूव करना है, prove the work energy theorem, बहुत important है work energy theorem, मतलब आपको सबसे पहले define करना है, define और explain करना है work का concept, work concept जैसे आप कर लोगे तो आपको work energy theorem भी आपको prove करनी है, बहुत important है, कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन परफेक्ट इलास्टिक एंड परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक एंड परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन,
याद रखना ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखना पड़ेगा आपको। फोर्थ, ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्वेश्चन है। अ व्हील हैविंग, अब याद रखना जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि फिक्स यही बता दे, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिएगा, वहां पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मेथड भी चेंज कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो याद रखिएगा, ठीक है। एक मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्वेश्चन फिक्स रहता है। ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ऑफ 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेट्स एट 50 आरपीएम, 50 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, अबाउट आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, अबाउट इट्स एक्सिस। फाइंड द टॉर्क दैट, ये भी वो है एग्जाम्पल है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया चैप्टर खोलो, एग्जाम्पल खोलो, मिल जाएगा। फाइंड द टॉर्क दैट, बच्चे एग्जाम्पल नहीं पढ़ना चाहते, अरे ये तो सॉल्व ही है, सॉल्व है तो फिर क्या पढ़ना ना, और एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछा जाता है। कैन स्टॉप द, आपको तो नहीं आता ना, कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट, लगाने का तरीका मैं बता दूं। व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आई की वैल्यू दी जा रही है, अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है दैट्स योर 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता ना, एम आर स्क्वायर, रोटेट्स एट 50 आरपीएम अबाउट 6 एक्सिस, ये क्या दिया जा रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू 50 आरपीएम दिया जा रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, ओमेगा 1 मतलब इनिशियल आप बोल सकते हो, ओमेगा इनिशियल बोल सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू दी जा रही है कितनी, 50 आरपीएम, तो 50 आरपीएम के अगर मैं चेंज कर दूं 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 10π/6, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, वैल्यू निकालोगे 2π/60 होता है रेडियन में चेंज करने के लिए आरपीएम को, तो फाइनली जो ओमेगा आई की वैल्यू निकल जाएगी। स्टॉप एट व्हील इन 1 मिनट, टी की वैल्यू दी जा रही है और आपको फाइंड करना है, फाइंड द टॉर्क दैट कैन स्टॉप, वो स्टॉप कर सके, मतलब फाइनल जो ओमेगा है वो जीरो होगा क्योंकि स्टॉप हो जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, एंड वैल्यू आप जानते ही हो टॉर्क की वैल्यू क्या होता है, टाउ बराबर आई अल्फा, निकाल लेना, ठीक। चल जाओ देखो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल कर लोगे आप। प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पांचवा, प्रूव द थ्योरम ऑफ, या तो पैरेलल एक्सिस पूछा जा सकता है या फिर परपेंडिकुलर पूछा जा सकता है, दोनों में से चाहे जो पूछा जाएगा, याद रखना, तो दोनों आपको पढ़ना है, ठीक। प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, फाइंड द वर्क डन इन ट्विस्टिंग, फाइंड द वर्क डन इन ट्विस्टिंग, ट्विस्ट मतलब मोड़ना, किसी एंगल पर घुमाना, फाइंड द वर्क डन इन ट्विस्टिंग अ सिलेंडर, ट्विस्टिंग अ सिलेंडर, सिलेंडर थ्रू एन एंगल अल्फा, ये भी मैंने कराया हुआ है, आपको वर्क डन निकालना है जब हम किसी सिलेंडर को ट्विस्ट कर दें अल्फा एंगल पर। सातवां, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास, ये तो सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स of 2 particles moves under a, moves under a central force with,
विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। मतलब क्या कह रहा है समझ रहे हो कि आपको प्रूव करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, टू पार्टिकल के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्टिकल वेलोसिटी तो फिक्स मान लो एंड वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द टू एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब आपको डिस्टिंग्विश करना है पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में एंड ऑप्टेन आपको प्राप्त करना है रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है वो आपको बताने हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो ये रहा सेक्शन बी का क्वेश्चन, अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये आपको रट के जाना है, पढ़ के जाना है, और पढ़ने का तरीका मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखो एक नोटबुक में और प्रॉपर उसका आंसर लिख डालो यार, अभी समय है, बाद में समय नहीं रहता जब एग्जाम पास होता है, वो नोट्स आपको जरूर तैयार करके जाना है। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। आइए बात कर लेते हैं सेक्शन सी की, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है, इसमें हम 5 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सेक्शन सी ये होगा हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। आपको एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है ऑफ ए पार्टिकल, पढ़ाया गया है आपको एंगुलर मोमेंटम का चैप्टर ऑफ अ पार्टिकल, सो दैट द, और सो करना है आपको, शो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम rate of change of angular momentum क्या होगा ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू टॉर्क। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, और ये बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपके टार्क के बराबर होगा, डेल एल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू टाउ होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। दूसरा पॉइंट, ठीक है, डिफाइन रोटेशनल आर मोमेंटम, डिफाइन रोटेशनल आर मोमेंटम ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कई लोग इसे बोलते हैं रोटेशनल ऑफ इनर्सिया, तो चाहे मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलो या रोटेशनल ऑफ इनर्सिया बोलो, एक ही चीज है। ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के लिए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होती है वो बताना है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होती है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है आपको। डिफाइन रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये भी बताए हुए हैं आपको, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। और आगे, What is radius of gyration? ये important question है। What is radius of gyration? जब आप exam देने बैठोगे ना तब मालूम चलेगा कि हमने क्या question बताया हुआ था।
ये क्वेश्चन रेडियस ऑफ जायरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो सेक्शन बी में आता है तो सिर्फ क्या आता है व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, सेक्शन सी में आता है तो कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो मान लीजिए कि हर बार पूछा ही पूछा जाता है, क्या है कि डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन, अभी ऐप पर इसकी क्लास, इसके बाद मतलब ऐप पे जो क्लास चलने वाली है इलास्टिसिटी की, जस्ट इसी की क्लास चलने वाली, जो ये रिलेशन बता रहे हैं ना यही रिलेशन हम प्रूव कराएंगे। डिड्यूस द फॉलोइंग रिलेशंस याद रखिएगा यही रिलेशन प्रूव होने वाला है, एमंग द इलास्टिक कॉन्स्टेंट Among the elastic constant, कौन कौन सा वाई के ईटा थीटा, देखो यार याद कर लेना वाई को हमने बोला था गामा यंग मॉडुलस, ठीक है, के क्या था बल्क मॉडुलस हमने बीटा बोला हुआ था, बाकी ये और ये एक ही चीज है जो हमने बताया था। ठीक है, ईटा स्ट्रेस क्या बोलते हैं उसको, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये वही हमारा, थीटा भी हमारा सेम है, चेंज क्या है गामा और बीटा, हमने गामा और बीटा बोला था, ये हमारा वाई और के दिया, वाई क्या हमारा यंग मॉडुलस, के हमारा बल्क मॉडुलस है, याद रखना। ठीक है, आ जाओ, ये रिलेशन होता है, एक रिलेशन हमारा मिलता है वाई इज इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू सिग्मा, अभी हम कराएंगे तो सब बताएंगे ना कौन क्या है। ठीक, और एक हमारा रिलेशन मिलता है सिग्मा इक्वल टू थ्री के माइनस टू ईटा अपान सिक्स के प्लस टू ईटा, ये ऐसे लिख लो, जब हम प्रूफ कराएंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लो ऐसे। ठीक, चल फोर्थ, डिराइव कैपलर्स लॉ, वाह वाह, इस क्वेश्चन को हम कैसे भूल सकते हैं, डिराइव कैपलर्स लॉ, कैपलर्स ला आपको डिराइव करना है ऑफ ए प्लेनेटरी मोशन, ऑफ ए प्लेनेटरी मोशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, मतलब कह रहा है कि आपको कैपलर्स ला डिराइव करना है ऑफ ए प्लेनेटरी मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से प्लेनेटरी मोशन आपको डिराइव करना है, और ये किस देने के बाद एक क्वेश्चन इसमें अटैच किया जा रहा है प्लेनेटरी मोशन का, कौन सा, अर्थ रिवॉल्यूशन राउंड द सन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में, ऐसे दे देता है उसके बाद आपको क्वेश्चन भी दे देता है, अर्थ सॉरी मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक दो बार ई लिख दिया ना, अर्थ रिवॉल्यूशन राउंड द सन, राउंड द सन हैज रेडियस कितना रेडियस है 1.5 इंटू 10 रेस टू पावर 11 मीटर एंड पीरियड, अभी जब कैपलर्स ला पढ़ाएंगे ना तो इसमें बता देंगे हम, ये तो सभी को आता ही होगा, ये तो क्वेश्चन आपको क्लास 11th में मिला था, रेडियस पीरियड 3.15 इंटू 10 टू पावर 7 सेकेंड, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे टेंशन ना लो, और यही हमारा वन ईयर के बराबर होता है, एक ईयर में कितने सेकेंड 3.15 × 10^7 सेकेंड, याद रख लेना, आप चेंज भी करोगे चेंज कर सकते हो, इफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज मतलब जी की वैल्यू दी जा रही है 6.67 कितना होता है अब सभी को याद ही होगा 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कैलकुलेट द मास ऑफ सन, देख रहे हो कैपलर्स ला ये तो डिराइव कर लोगे, अर्थ रिवॉल्यूशन राउंड द सन हैज रेडियस इतना दिया जा रहा है, इतने रेडियस पे मूव कर रहा है,
कितने टाइम में उतने टाइम में मूव कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा इतना है तो आपको मास ऑफ सन बताना है, सन का मास। और क्या कोई तौलने थोड़ी गया था कि सन का मास कितना है, ऐसे ही तो निकाला जाता है वो। जब हम बताएंगे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, टेंशन ना लो। प्रूव दैट द ऑसिलेशन ऑफ द टू मासेस कनेक्टेड, ये ऑसिलेशन चैप्टर का है, कनेक्टेड बाई ए स्प्रिंग आर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। यस एच एम, सिंपल हार्मोनिक, एस एच ओ लिखेंगे ना। तो इसमें से कौन कौन क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाए हैं ऐप में, ये भी हमारा जस्ट इसके बाद ही बता देंगे, मतलब नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें ही प्रूव कराएंगे। उसके बाद हमारा कैपलर्स वाला पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हमारा वेव मोशन ऑसिलेशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसे आपको तैयार ही तैयार करने हैं, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाए हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप लोग तो अभी नए हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, पिछले बार अगर देखोगे रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट टीच स्ट्रीम ने दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट 80% प्लस मार्क आराम से ला रहे थे। कारण क्या था कि जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आराम से कर रहे थे वो। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अगर आप कर गए तो आप भी आराम से 80% 75-80% इसी क्वेश्चन से प्राप्त कर सकते हो। जिसको इससे ज्यादा लाना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत भी करे और भी क्वेश्चंस तैयार करे, बट इन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करे। सो दैट मिलते हैं अब केमिस्ट्री के साथ, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो केमिस्ट्री का होगा। टिल देन आप लोग बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।